नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। लुधियाना के एक निजी होटल में शिवसेना बाल ठाकरे ने विशेष बैठक बुलाई, जिसमें भारतीय कामगार सेना के राज्य प्रमुख दलबीर संधु हरीश सिंगला विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर हरीश सिंगला ने कहा कि शिवसेना की 11 मेंबरी कमेटी ने राज्य में शिवसेना का स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुहिम और लुधियाना इकाई के लिए नई नियुक्तियां शुरू की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना बाल ठाकरे का मुख्य लक्ष्य युवा वर्ग को नशों से बचाना और आतंकवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है। मैं हरीश सिंगला सीनियर राज्य उपरुख पंजाब, अज शिवसेना बाल ठाकरे वालों पंजाब दे विच एक नवी मुहिम का आगाज करते हुए देश एक धर्म अनेक दे तहत इतने लोगों को जागरूक किया गया और अनमोल बाबा जी नू साड़ी पूरी समूह पंजाब की टीम वालों अरविंदर सोनी जी, दलवीर संधु जी, असी सारे ने आके जिला प्रधान लुधियाना का नियुक्त किया है और असं उम्मीद करते हैं कि जो शिवसेना का उद्देश्य है कि समाज सेवा के अगर नहीं रहना, उसनों अनमोल बाबा जी ईमानदारी के नाल निभाएंगे। तो यहाँ पे जब सारा यूथ इकट्ठा हुआ है और उनको देख के हमें इतनी खुशी हुई है कि ये कम से कम ये जो लोग हैं जो ऑलरेडी ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, गरीब औरतों की, लड़कियों की जो उनकी शादियां करवाते हैं, तो ये सबको देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हमें गर्व महसूस हो रहा है कि इनके साथ हम भी जुड़े हैं। पंजाब पुलिस की ओर से गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में पंजाब पुलिस के एडीजीपी ने विशेष रूप से अमृतसर पहुंचकर स्कूल कॉलेजों में और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एडीजीपी ने बताया कि पुलिस की ओर से गैंगस्टरों की एक लिस्ट बनाई गई है जिनको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वही पंजाब में जितने भी गैंगस्टर है उनको एक बार फिर सुधरने का मौका भी जरूर दिया जाएगा। उन रोकने लिए ऐसे बड़े सख्त कदम उठा रहे हैं, बढ़िया भी होना है। असी दो तरह की स्ट्रैटेजी होते हुए जो हार्ड कोर और जो है क्रिमिनल्स हैं वो स्पेशल टीम भी बनाई हैं। असी रिकॉर्ड असी इमीडिएटली सारे थाणियों और पूरे पंजाब दे विच सारे नाकियां तक पहुँचा जो है उपराले किए हैं और इस तो इलावा जिहड़े बच्चे मिसगाइड हो के और मिसकनसैप्शन दे विच इहदे काम दे विच पै रहे हैं उन्होंने समझाने लिए उन्होंने फैमिलीज़ नाल तक भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जा के मैं भी ऐसी दो मीटिंग अटेंड कीतियां हैं खुद जाके। मैं उत्थे गया सीगा नाभे जेल दे विच, जो मैं जेल का मेरा चार्ज सी मेरे को। सो नाभे जेल तुसी पढ़िया होना, बड़ा फेमस वो जेल ब्रेक होया सीगा। वो दे विच एक जो अरेस्ट किए कुछ बंदे, एक लड़का सड़ा के 20-22 साल का बच्चा सी। मैं उत्थे जेल दे विच मिलिया, मैं बड़ा हैरान क्योंकि वो हुण बड़ी स्पेशल कैटेगरी विच आ गया। तो पता लग गया वो फिफ्थ ईयर स्टूडेंट सी लॉ का और पहला ही क्राइम सी उहदा। हुण मैं समझदा वो पूरी जिंदगी रिग्रैट करेगा इस चीज़ में कि मैं किस काम में पै गया, पता नहीं की सुनिया सी गैंगस्टर की है की नहीं है। तो ऐसे मैं समझदा काफ़ी बच्चे होणगे जो मिसकनसैप्शन होएगा, पता नहीं गैंगस्टर की बड़ी चीज़ होंगी की वधिया चीज़ होंगी है तो असी भी इस पासे चलीए या पता नहीं की साड़ी स्टेटस बन जाएगी और अल्टीमेटली धक्के खाने पैंदे हैं बाद दे विच पता लगता है। सो इस तरह के बच्चों असी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ में छड़ के इतने वापस ओहदे विच आन। उन्हां दे नाल जो कानवाई कानून के हिसाब नाल फेयर इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई होगी वो ये कुछ। सो डेफिनेटली जो है इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन एक क्राइम जो ऐसी चीज़ है वो कि कभी कभी जो है कभी ये नहीं कह सकते 100% क्राइम फ्री कोई सोसाइटी हो सकती है, लेकिन जो दोषी होंगे वो छेती फड़े जाएंगे। जड़े अमृतसर के एक निजी स्कूल में प्लस टू की छात्रा ने स्कूल में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा की पहचान सिमरन कौर के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी विशालजीत सिंह ने बताया कि छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ए बच्चा सिमरन के पीरियड्स जड़े ने तकरीबन 11:15 के करीब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वेट कर रही थी अपनी थ्री व्हीलर की कन्वेंस वेटिंग रूम में, तो बाद अपना बैग छोड़ के जी क्लास खाली से उत्थे गई तो उत्थे जाके अपना हैंग कर लिया अपने आप। रीज़न तो साड़ी समझ तो बाहर ने क्योंकि बच्चा पढ़ने ठीक से इन्हें कोई एवं जी कोई प्रॉब्लम नहीं सी, ये घर के काफ़ी यदा ध्यान रखते हैं चाहे ये फादर नहीं ने, फिर भी ये जो जॉइंट फैमिली है ताए चाचे जी ने बड़ा ख्याल रखते बच्चे का। इतने राणीका बाग स्थित जग ज्योति स्कूल एक प्लस टू की विद्यार्थी वालों अपने ही चुनी के नाल पा लैके जोड़ा सुसाइड किया गया है।
जिस ते जिहड़ी मौके ते आ के पुलिस वल्लों जिहड़ी है तफ्तीश की जा रही है, जो तफ्तीश तत्त सामने आउणगे अगली कार्रवाई उस नाल। अजे तक जिहड़ी पहली गल सामने आई उहदे विच कोई भी फाउल प्ले अजे तक कोई सामने नहीं आया, बाकी फिर भी असीं इहदी प्रॉपरली इनवैसटीगेट कर रहे हैं। कोई सुसाइड नोट नहीं मिलिया, जो इनवैसटीगेशन तों बाद जो नतीजा आएगा उस हिसाब नाल कार्रवाई। इह प्लस टू दी विद्यार्थन है, इहनां नूं करीब कोई 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है। उस छुट्टी तों बाद अपने वेटिंग रूम दे विच वेट कर रही सीगी। वेटिंग रूम तों विचों कोई करीब 15 मिंटां बाद जदों जिहड़ी सफाई सेवका सी उहने जा के वेख्या, तो उन्हें जाके वेख्या भी ये अपनी जिहड़ी इन्हें अपना दुपट्टे दे नाल फाह लैके अपनी जीवन लीला खत्म कर लिया। हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए जगजीत सिंह चहल को पटियाला की सीबीआई अदालत में पेश किया गया है, जहां अदालत ने चहल को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो देन वी विल अगेन मूव टू द कोर्ट फॉर गेटिंग फोर्स रिमांड ऑफ दिस वेरी अक्यूज्ड विद इन 14 डे एज पर लॉ। अनदर एस्पेक्ट ऑफ अदर केस पेंडिंग ईडी वर्सेस देवेंद्र रवार इन दैट वन एप्लीकेशन ऑफ सुरेश कुमार हु वाज द मैनेजर ऑफ चुन्नी लाल गाबा एंटीसिपेटरी बेल वाज ऑल्सो डिस्मिस बाई दिस कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन अंडर द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी विल फाइल पीसी। राजपुरा में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर पंकज शर्मा नामक व्यक्ति से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट न होने से लुटेरे फायरिंग करते हुए पैदल ही भाग निकले, जिनमें से एक लुटेरे को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दूसरे लुटेरे को पीसीआर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने लुटेरों से 12 बोर की एक पिस्तौल व एक स्कूटर बरामद किया है और मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। 7 बजे के करीब ना ये बंदे दो मार्केट के आए, एक सरदार से एक मोहन सेगा, तो जो आए आ के इन्होंने एक बुक स्टोर सेगा उसके बाद मोटरसाइकिल खड़ा सेगा, मोटरसाइकिल की चाबी लगी से उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। ड्यूरिंग दैट पीरियड मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, वो जिदा मोटरसाइकिल से बाहर आ गया, भाई साहब की गल कहते गलती नाल मेरी किक बज गई थी, जो क्या गलती नाम की कबज की जो फिर ये पिछे हुए चले गए, जो 20-50 मीटर और पिछे ने चले गया, कहते मोटरसाइकिल तेरा मिल गया यार तू गलती नाल कर लगे सी, उत्थे घबराया अपड़ा दबड़ी हो गया। ड्यूरिंग दैट पीरियड एक उत्थों स्कूटर वाला आ रहा है, उत्थों ये भजन लगे, तो इन बिटवीन साडा मुंशी सीगा उत्थे पीसीआर दा रोशन कुमार सपोर्टी, जदों इन्होंने उहदा स्कूटर खोहण लग्या इन्होंने डराया धमकाया, इन्होंने आवाज किया उन्हें साले ने फायर किया स्कूटर खोल लिया, उसका स्कूटर खोल के जो स्टार्ट कर लगा स्कूटर मतलब भजन लग्या, वो स्कूटर नहीं अजे स्टार्ट हो, इन्होंने जो पिछले पास जाके उन्होंने जफ्फा पा लिया, जफ्फा पाते उन्हें एक फायर होल किया सर मीन उस अपना दबड़ी इन बिट ड्यूरिंग दैट पीरियड साड़ी इन इस परेशन देख के पीसीआर पार्टी से जवान पिछले खड़े साढ़े ये उतों मूव कर रहे थे, ये उत्थे आ गए इन्होंने आके जो नाल का बंदा से जो रोसे ने कहा भी नाल का दूजा बंदा वो भजन लग्या, इन्होंने दोनों ने उन्होंने काबू कर लिया। इस तरीके इन्होंने मतलब वह कह ड्यूरिंग दैट पीरियड सा चार्ज एस आई महंगा सिंह ये थोड़े पॉइंट तो दूर सगा, जो इन्हें देखा भी कुहल चल हुई है ये भज गए पॉइंट के, मीनज भी तिने जोड़े साढ़े मुलाजम ने जवान ने इन्होंने तीन पार्टियां दो पीसीआर वाले हो गए महंगा सिंह हो गया पीसीआर मुंशी तो साढ़ा है ही आने कट्ठे करके एकदम नाल दोनों बंद काबू कर लिया। उस टाइम ये दो फायर कर चुके थे, तो जेकर मौके से काबू ना किए जाते साढ़े मुलाजम मुस्तैदी ना दिखाते तो कोई वही वारदात है जी कर सकते सके, तो इस करके बचाव का मतलब कोई वही अणहोनी तो कोई वही घटना हो जो मोटरसाइकिल चोरी करके मोटरसाइकिल खो के तो स्कूटर खो के अभी वही घटना अंजाम दे सकते, तो दोनों बंदे असी मौके तो उठे अरैसट कर ले, अरैसट करके इन्हों अज कोर्ट के पेश किया। कि तक मिले रिमांड 24 तक सर कोई चीज़ बरामद हुई है फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।